हमें मार दो पहले ब्रजवासियों को, फिर हमारा कॉरिडोर बना देना, क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। भारत की राजधानी दिल्ली तो 150 किलोमीटर दूर अते यमुना किनारे वसे धार्मिक शहर वृंदावन के लोग इस वेले काफ़ी गुस्से दे विच ने। सरकार यमुना तो लैके प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर तक कोरीडोर बनाना चाहती है। इस दे लई सैकड़े मकान अते दुकाना नू तोड़ना पड़ेगा। यही वजह है कि इस योजना नू लेके लोग काफी गुस्से दे विच ने। आदमियां आत्मदाह को भी तैयार हैं, मरेंगे यानी कितनों को मारेगी ये बीजेपी, कितनों को ये प्रशासन मरवाएगा। प्रशासन जो नाश मार रहा है इस समय बहुत बुरा कर रहा है। 100 साल पुराना हमारा घर है, अब इसको छोड़ के हम कहाँ जाएं? अब दूसरी जगह जाके कैसे बसे? बगल में भगवान का हमारे का वो है ठाकुर द्वारा, घर से निकलते मंदिर में घुस जाते, मंदिर से निकलते घर में घुस जाते, ऐसे कैसे छोड़ दे अपनी जगह को। मेरा घर ठीक बांके बिहारी मंदिर के एक नंबर गेट के सामने है, और सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित 5 एकड़ का कॉरिडोर जो बात चर्चाएं चल रही हैं उसमें ये भूमि शामिल है, उसमें मेरा भी घर जा रहा है। बात घर जाने की नहीं है, इस कॉरिडोर के पीछे कितनी कुंज गलियां दब जाएंगी, कितना हरे ब्रज की धरोहरें नष्ट हो जाएंगी, इसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। मैं 250-300 वर्ष से मेरे घर के अंदर में जो मंदिर है वो भी ये तोड़ देंगे, इसके साथ में जितने भी यहाँ पर मंदिर हैं वे सब तोड़े जाएंगे। तो ऐसी ऐसा विकास किस काम का कि आप जिसके पीछे 250-300 वर्ष पुराने मंदिर भी तोड़ दे रहे हैं। कुछ दिन पहला नगर निगम ने इलाके की पैमाइश की, इस तो बाद लोगों का डर होर भी ज्यादा फट गया। जिसके लिए वृंदावन जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो वृंदावन दिखेगा ही नहीं किसी को। अब जब आने वाली नई पीढ़ी जब वृंदावन आएगी तो वो केवल खोजती ही रह जाएगी कि कहाँ है हमारा वो प्राचीन वृंदावन। सरकार कॉरिडोर दे लई 5 एकड़ जमीन अपने कब्जे दे विच लवेगी, जिसका मुआवजा मंदिर दे फंड तो चुकाया जाएगा। हुण मंदिर दे प्रबंधन दे लई सरकार नवा ट्रस्ट भी बनाएगी। इत्थों दे सेवकां नूं ऐ वी डर सता रहा है कि किते उन्हां नूं बेदखल ही ना कर दिता जावे। इसी फंड के साथ में इन्होंने एफिडेविट में ये और मेंशन किया है कि एक प्रबंध कमेटी नई, उसका क्रियान्वयन करेंगे। हमारा विरोध इस पर भी है। इस प्रोजेक्ट के पीछे किसी भी सरकारी तंत्र ने हमसे कोई बात नहीं करी, ना तो मंदिर प्रबंधन से कोई बात करी, ना ही जो है मंदिर के गोस्वामियों से कोई बात करी गई। इस कॉरिडोर के जद में जो लोग आ रहे हैं, सिंगल एक पर्सन किसी से नहीं बात करी। कॉरिडोर नू लेके बाहर तो आने वाले सैलानियों की राय वक्ख वक्ख है। मुझे वो आनंद नहीं आएगा जो मुझे अभी आता है, कि जैसे घूम फिर के जाना और छोटी छोटी दुकानों को देखना, उस पे कुछ चीज़ों सामान को देखना कि बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। फिर तो आप बड़े बड़े मॉल में चले जाओ अगर ऐसी मतलब वही नज़ारे ही देखने हैं, तो जो यहाँ का नज़ारा है तो वो तो अलग ही है। बहुत बढ़िया, 10 गुना पब्लिक आया करेगी। जो यहाँ घटना हो रही है ना उससे ठीक हो जाऊँ। वृंदावन दे विच अगे की होवेगा ऐ तां अदालत तय करेगी। सरकार ने अदालत दे विच कोरीडोर बनाउण दा मनसूबा तां पेश कर दिता है। बीबीसी ने स्थानक प्रशासन दा पक्ष जानन दे लई मथुरा दे जिला अधिकारी दे नाल गल करन दी कोशिश की, पर उन्होंने जवाब नहीं दिता।